यूं तो दुनिया भर में सांप की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ सांप काफी जहरीले होते हैं, लेकिन एक सांप ऐसा है जो अपनी खूंखार आवाज और मर के भी शिकार को मार गिराने में माहिर होता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रैटल स्नेक की। ये सांप इतना जहरीला होता है कि कोई भी इसे परेशान करने की गुस्ताखी नहीं करता। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं एनिमल स्वाइंस। ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। दुनिया में रैटल स्नेक की 30 अलग प्रजातियां मिलती हैं। रैटल का शरीर काफी भारी भरकम और इसका मुंह हीरे के आकार की तरह होता है। कहते हैं ये आकार इसके जबड़ी की तली में बनी जहर की ग्रंथियों की वजह से होता है। इस सांप की लंबाई 1.6 फीट से लेकर 8.2 फीट तक होती है। इसके जहरीले दांत 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। इन सांप की जीभ फॉग्ड होती है, जिसे भी ऊपर नीचे फ्लिप करते रहते हैं। देखने में ही ये सांप इतने खतरनाक हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि इसका जहर कितना घातक होगा। रैटल स्नेक नाम कैसे पड़ा? रैटल सांप की पूंछ बाकी सांपों से कुछ अलग होती है। इसकी पूंछ पर बने छल्लों के कारण इसके पास होने का एहसास पहले ही हो जाता है। कहते हैं जब ये अपनी पूंछ हिलाता है तो ऐसा लगता है मानो कोई तेज से झुंझुना हिला रहा हो। यही वजह है कि इसे रैटल स्नेक कहते हैं। ये धारीदार हिस्सा बाकी पूंछ की बनावट से एकदम अलग होता है। इस हिस्से की मदद से रैटल अपने शिकार को पहले से ही अलर्ट कर देता है। जब ये आवाज काफी तेज हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि सांप बहुत गुस्से में है और वो किसी भी वक्त हमला बोल सकता है। हीमोटॉक्सिक वेनम। ये सांप ना सिर्फ आवाज बल्कि जहर की वजह से भी बाकी सांपों से अलग है। चौंकाने की बात तो ये है कि दम तोड़ने के बाद भी इसके दांतों में इतना जहर बच जाता है जो एक इंसान की जान लेने के लिए काफी है। कहते हैं कि रैटल स्नेक काफी गुस्सैल होता है। इस सांप के बच्चे बड़े सांप के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें बड़े सांप के मुकाबले ज्यादा जहर होता है। जैसे जैसे सांप बड़े होते जाते हैं, इनका जहर कम होता जाता है। मरने के बाद भी उगता है जहर। रैटल स्नेक में हीमोटॉक्सिक जहर मिलता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। इस खतरनाक सांप की सबसे अनोखी बात यह है कि शरीर से सिर अलग हो जाने के बाद भी उसमें हलचल रहती है। ऐसा लगता है कि मानो रैटल अभी भी जिंदा है और सांसें ले रहा है। इतना ही नहीं, रैटल दांतों से जहर उगलता है। एक रिसर्च की माने तो ये साबित हुआ है कि मौत के करीब एक घंटे बाद तक और कभी कभी तो कई घंटों तक उसका जहर जानलेवा होता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी ने रिसर्च में पाया कि सांप का कटा सिर भी अगर छुआ जाए तो वो जहर छोड़ सकता है। यही वजह है कि ऐसे सांप के नजदीक जाने से मना किया जाता है, क्योंकि मरने के बाद भी उसके जहर का केमिकल कंपोजिशन पहले जैसा रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सांप के मरने के बाद भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ जीव जंतुओं में तंत्रिकाएं और दिमाग की कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म होती हैं। उनका दिमाग ज्यादा देर तक उनके शरीर की गतिविधियों को ऑपरेट कर सकता है। यही कारण है कि रैटल ना सिर्फ जीते जी खतरनाक होता है, बल्कि वो मरने के बाद भी घातक साबित होता है। कैसे फैलता है रैटल का जहर? इतने जहरीले और खतरनाक सांप के बारे में सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसके काटने से फौरन मौत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रैटल के काटने पर शिकार की मौत फौरन नहीं होती, और ये भी जरूरी नहीं है कि सांप के काटने पर शिकार की मौत हो ही जाए। सांप उतना ही जहर उगलता है जितना शिकार को अपनी रक्षा करने में असमर्थ कर दे। सांप का जहर शिकार की कोशिकाओं और तंत्रिकाओं की एक्टिविटी को एकदम धीमा कर देता है। इसका जहर शिकार के शरीर में मौजूद टिश्यूज को तोड़ देता है, जिसकी वजह से लकवा, इंटरनल ब्लीडिंग और मौत भी हो सकती है। जहर के शरीर में पहुंचने के बाद उल्टी, चोट की जगह पर सूजन, दर्द और बेचैनी जैसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं कि रैटल स्नेक आक्रामक प्रवृत्ति के नहीं होते। अगर इन्हें कोई परेशान करता है तभी ये हमला करते हैं। दुनिया के बाकी सांपों से तुलना करें तो रैटल स्नेक के जहर का असर शिकार पर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन बहुत जानलेवा होता है। शायद इसी वजह से ना सिर्फ जिंदा बल्कि मरा हुआ रैटल भी कम खतरनाक नहीं होता। तो देखा आपने कि रैटल स्नेक मरने के बाद भी शिकार को मारने में कितना माहिर होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।